सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 बराबर है टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड है टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3। हम यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो सरल करने के लिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के सूत्र का प्रयोग किया। अब हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1+XY। तो यहाँ हमने एक्स मान लिया 17/19 को और वाई हमारा है 2/3। तो ये मान टेन इनवर्स 17/19 माइनस 2/3 बटे 1+17/19 2/3 इसके बराबर हो गया। हमने टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के सूत्र का प्रयोग किया। सरल करते हैं तो सरल करने से ये मान हो गया टेन इनवर्स 51-38 बटे 57+34। 19 इंटू तीन अर्थात 57 जो है वो हम देखते हैं कि अंश और हर दोनों का लघुत्तम है अतः कैंसिल हो जाएगा। तो अंश हमारा हो जाएगा 17 इंटू 3 अर्थात 51 माइनस 19 इंटू 2 अर्थात 38। और जो अंश है वो हो जाएगा 19 इंटू 3 हर जो है वो हो जाएगा 19 इंटू 3 अर्थात 57 प्लस 17 इंटू 2 अर्थात 34। तो इस प्रकार यह मान हम प्राप्त करते हैं कि टेन इनवर्स 13/91 के बराबर है। तो ये मान टेन इनवर्स 13/91 के बराबर है जो सरल करने से हम प्राप्त करते हैं कि टेन इनवर्स 1/7 है। अर्थात इस प्रकार हमने राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिया है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इति सिद्धम। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 × 10 इनवर्स 1/5 बराबर है साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि हमें दिया गया है 2 tan inverse 1/5। हम 2 tan inverse 1/5 को tan इनवर्स के रूप में बदलते हैं और हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की। लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्राप्त है कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan inverse 1/5 और 2 tan inverse 1/5 को हमने सरल किया। हमने सूत्र का प्रयोग किया कि 2 tan inverse x बराबर होता है टेन इनवर्स 2x/1-x2। इसलिए 2 tan inverse 1/5 हो जाएगा टेन इनवर्स 2 × 1/5/1-1/5। हमने x यहाँ हमारा 1/5 है अर्थात दूसरा पद हमारा हो गया टेन इनवर्स 2 × 1/5/1-1/5। सरल करें तो यह मान हो गया टेन इनवर्स 5/12 के बराबर। तो इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड साइड अब हो गया है कॉस इनवर्स 63/65 और प्लस टेन इनवर्स 5/12। अब हम देखते हैं कि हमें राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स का रूप दिया गया है। तो हमें कॉस इनवर्स 63/65 और टेन इनवर्स 5/12 को साइन इनवर्स में बदलना है। तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं और हम समकोण त्रिभुज में कॉस इनवर्स 63/65 को देखते हैं कि कॉस इनवर्स 63/65 को यदि हम थीटा मान लें तो इससे अभिप्राय यह होगा कि थीटा कोण के लिए जो आधार है वो 63 है और कर्ण 65 के बराबर है। हमने क्या किया, हमने पहला पद कॉस इनवर्स 63/65 को हमने थीटा मान लिया तो आधार 63 और कर्ण 65 होगा अर्थात थीटा कोण का जो लंब है वो √65² - 63² जो कि 16 के बराबर आता है इसके बराबर होगा। तो लंब हमने प्राप्त कर लिया 16 के बराबर है। तो इसी प्रकार हम tan इनवर्स 5/12 में हम इसे
फाई मान लेते हैं, मान लिया कि ये कोण फाई है, तो यहाँ टेन इनवर्स 5/12 बराबर फाई लेने पर स्पष्ट है कि लंब 5 है फाई कोण के लिए और आधार 12, अर्थात कर्ण का मान 5² + 12² का वर्गमूल अर्थात 13 के बराबर होगा। हमने पाइथागोरस के प्रमेय से दोनों त्रिभुजों में, हमने पाइथागोरस के प्रमेय से क्या किया, दोनों त्रिभुजों में हमने तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स 63/65 जिसे हमने थीटा माना है, तो यहाँ हम यदि साइन में बदलें तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा स्पष्ट है 16/65 के बराबर होगा, अर्थात कॉस इनवर्स 63/65 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 16/65 के बराबर। तो हमने पहले पद को साइन में बदला और यह मान साइन इनवर्स 16/65 के बराबर है। पुनः समझते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स 63/65 यदि थीटा के बराबर है तो जो लंब है उसकी लंबाई हम पाइथागोरस के प्रमेय से प्राप्त करते हैं कि 16 है, तो जो हमें देता है साइन थीटा बराबर 16/65, अर्थात थीटा का मान जो है वो साइन इनवर्स 16/65 के बराबर है। तो पहला पद हमारा जो है वो साइन के पदों में, साइन इनवर्स के रूप में साइन इनवर्स 16/65 के बराबर है। अब दूसरे पद को देखते हैं जो कि हमें टेन इनवर्स के रूप में दिया गया है, हमने इसे फाई के बराबर माना है, तो यहाँ हमको साइन फाई का मान क्या मिलता है, 5/13 के बराबर मिलता है। स्पष्ट है लंब बटे कर्ण जो है वो साइन फाई होगा, अर्थात साइन फाई 5/13, तो फाई का मान हो गया साइन इनवर्स 5/13। तो हमने दूसरे पद को हमने साइन इनवर्स के रूप में प्राप्त कर लिया, वो मान साइन इनवर्स 5/13 के बराबर है, और इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड में अब साइन इनवर्स के रूप में दोनों पदों को प्राप्त कर लिया है। अब हम इसे सरल करते हैं तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का रूप है, अर्थात यहाँ हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x² के बराबर होता है। तो यहाँ एक्स हमारा 16/65 है और वाई हमारा 5/13 है, तो इसलिए यह मान हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 16/65 अर्थात एक्स इंटू अंडर रूट 1 - y² अर्थात 1 - 5/13 का स्क्वायर प्लस वाई अर्थात 5/13 इंटू अंडर रूट 1 - x² अर्थात अंडर रूट 1 - 16/65 का स्क्वायर। अब हम इसे सरल करते हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को सरल करने से हम प्राप्त करते हैं कि यह मान हो गया साइन इनवर्स 16/65 इंटू अंडर रूट 169 - 25/169 प्लस 5/13 इंटू अंडर रूट 4225 - 256/4225। सरल करने से गणना करने से यह मान साइन इनवर्स 16/65 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू 63/65 आता है, अर्थात मान हो गया साइन इनवर्स 192 + 315/65 इंटू 13, जो हमें देता है साइन इनवर्स 507/845 जो साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इति सिद्धम्।